आम बस्तियों की तरह ये भी एक बस्ती है, जीते जागते इंसानों की बस्ती। यहाँ के लोग जीने के लिए संघर्ष करते हैं, वो संघर्ष जो कभी खत्म नहीं होता। इतिहास के पन्नों से दूर कई ऐसी कहानियां हैं जिनसे हम अनजान हैं। ऐसी एक कहानी है कर्नाटक के गांव की, जहां गौड़ों का राज है। सारे संसार की तरह यहां हर चीज मौजूद है सिवाय इंसानियत के, जिसकी वजह है हमारी कायरता। अन्याय और अधर्म की शक्ति तब बढ़ जाती है जब कानून भी उसका साथ देने लगता है। तब जीने के लिए रात दिन खून पसीना बहाने वाले इंसान के पास एक ही रास्ता रह जाता है, और वो है बगावत। ये आज के युग का एक जालिम राजा है। चोरी चकारी से अपना जीवन शुरू करने वाला आज पूरे गांव को अपना गुलाम बना बैठा है। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसके हाथ पैर बांधकर कुएं में फेंकवा देता है, और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प जाता है। हम क्यों आए हैं माँ? चल बताती हूँ। चलो बच्चों, जल्दी करो। अरे महाराज तो भैया, सब लोग कहाँ जा रहे हैं माँ? ये सब लोग स्कूल जा रहे हैं बेटा। तो मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? तू यहाँ पर काम करने आया है। मैं भी इनकी तरह स्कूल जाऊँगा ना माँ। बेटा, हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है कि घर में माँ होना जरूरी है, और घर की रखवाली के लिए कुत्ते का होना जरूरी है। उसी तरह जिसकी माँ धनवान होती है उसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, हम जैसों की नहीं। नहीं माँ, मैं उनकी तरह स्कूल जाऊँगा। काम छोड़कर तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? भूखे मरने का इरादा है क्या? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं मालिक। तो चलो जाओ, काम करो। चलो बेटा, चलो। हाँ बेटा, खा। माँ, ये चावल का माड़ बासी है, इसमें बहुत बदबू आ रही है। सारा चुप रहेगा, कोई सुन लेगा। अपनी किस्मत उसने लिखी है, चुपचाप पी ले। बदबू नाक में घुस रही है, तुम चाहती हो मैं इसे पीऊं और पीकर मर जाऊं? अरे लड़के, तेरे लिए ये नहीं तो क्या बासमती चावल मंगवाऊं? नहीं खाना है तो जा। मैं भी इसे खाना नहीं चाहता हूँ। बासी खाना ठुकरा कर आजादी के लिए दौड़ते इस बालक की ना कोई मंजिल है और ना ही कोई ठिकाना। इसके भागते हुए कदम जाकर रुके एक रहम दिल दुकानदार रघु की दुकान पर। रात दिन मेहनत करके उस बालक ने अपने मालिक के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली। क्या चाहिए आपको? दो पैकेट सिगरेट ले गया, जल्दी जा। ठीक है, लाता हूँ। ए चंद्रा। हाँ? बेटा, तुझे किसी की नजर ना लग जाए बेटा। ये लो माँ मेरी पगार। हाँ, इतना सारा पैसा? हाँ माँ, मेरी मेहनत के है। इतने सारे? ये सब तुम्हारे लिए है माँ। मेरे लाल, मेरे लिए है? चुप चुप जियो मेरे लाल। मेरे ग्रामवासियों, आप सब
मेरी शादी की 25वीं सालगिरह पर यहाँ उपस्थित हुए हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस खुशी के अवसर पर मैं आप सभी का प्यार चाहता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। ये है धर्मकांत नागर का परिवार। ये उनके बेटे हैं शशिकांत नागर और ये उनकी बेटी है प्रेमा कुमारी। ओहो, आइए आइए सोलापुर के जमींदार साहब, आप सब तो ठीक है ना? आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा। अरे मेरी गुड़िया। ए छोटे। हाँ क्या है? अरे जल्दी जरा। फसल तो अच्छी हुई लेकिन क्या चाहिए आपको? एक काम कर, एक पैकेट सिगरेट ले गया। जी लाता हूँ, एक पैकेट सिगरेट दो। पैसे लाओ। ये ही आपके सिगरेट और बाकी के पैसे। इस बार तो चुनाव में धमाल होने वाला है। ये लो ना। तेरी इतनी हिम्मत की मेरी बहन को हाथ लगाएगा? उसमें क्या हुआ? चुप रह, ये सब बातें तू नहीं समझेगी, चल। छोटो इधर आ। आता हूँ मालिक। ओए, मेरा सिगरेट कहाँ है? तभी आपको लाके दिया था मालिक। झूठ बोलता है बदमाश, चल पैसे दे। सिगरेट लाके देने के बाद पैसे कहाँ से लाके दूंगा? क्या कहा? इस उम्र में ही झूठ बोलता है चोर। मुझसे झूठ बोलता है? मत मारिए। आपको पैसा ही चाहिए ना? मैं देता हूँ, मैं आपको देता हूँ। कौन उतारा चला? इससे भी तू नहीं तोड़ा बिना पूछे ले। आपको पैसा ही चाहिए ना? मैं देता हूँ। तेरी इतनी औकात कि मुझे पैसा देगा? रुक जा बेटा, रुक जा। अब मैं नहीं दौड़ सकता, मेरी सांस फूलने लगी है। तू अपना गांव छोड़कर मेरे पास आया था, अब मुझे छोड़कर तू यहाँ से कहाँ जाएगा? तो क्या उसने आप पे हाथ उठाया तो क्या मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा? अरे अरे, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा और मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। अब तो भीमपुर में ही कुछ हो सकता है। क्या कहा? भीमपुर? वही जहाँ जमींदार की बेटी रहती है। भीमपुर में एक बहुत बड़ा पहलवान है। चल बेटा। आप सभी को भी, अरे लगे रहो लगे रहो, इसी तरह से कुश्ती लड़ते रहो। अरे आजा 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 आजा, ठीक हो ना? हाँ। अरे उसकी गर्दन को पकड़ कर पटक दे। बेटा आ करो। नमस्कार पहलवान जी। ओह आओ आओ रघु जी, कैसे हो आप? आशीर्वाद। घर में सब ठीक ठाक है ना? नमस्ते करो। भाभी जी खुश रहो बेटा। कौन है ये रघु भाई? चंद्रा। हाँ बहुत ही प्यारा बच्चा है। बच्चों का चेहरा देखकर मैं उनका भविष्य जान लेता हूँ, वो आने वाले समय में शेर बनेगा या चूहा। पहलवान जी। हाँ? इसका कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया। इसको आप कोई छोटा मोटा काम देकर जीने का सहारा दे दीजिए। देखो भाई, हम सबको पालने वाला
संसार का रचयिता ऊपर बैठा है, हम लोग क्या हैं? पल जाएगा सब बच्चों की तरह। शुक्रिया। अरे आजा जा 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 जा। बेटा अब तो चलाना सीख गई ना। बहुत अच्छे मेरे बेटे, तू शेर का बच्चा है, तुझे शेर ही बनना है। कस के पकड़ो इसे, छोड़ना मत, पटको इसे, टांग फंसा कर गिरा दो इसे। वाह वाह। ए चंद्रा इधर आ तू। अपनी कमीज उतार, अपनी कमीज उतार, उधर अखाड़े में उतरो, चलो आगे जाओ जाओ। चलो लड़ो, चलो उठ जा, उठ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ चल फिर से लड़, चल शुरू हो जा। हाँ भाग रहा है तू, हाँ चलो जाओ, हाँ फिर जा। अरे डर मत। चल खड़ा हो, डरता क्यों है? मुझसे सब नहीं होगा बाबा जी। दुश्मन भले ही कितना ताकतवर क्यों ना हो, उसे मार कर ही जीत हासिल होती है। दिमाग में बिठा ले, तभी जीत पाएगा। चल जा, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले, तभी जीतेगा। शेर का बच्चा है तू, जा फिर जा। शाबाश, ताकत लगा चंद्रा। क्या है बेटी? भैया को देखो। अपना चंद्रा। आ चंद्रा। आ चंद्रा। बाबूजी, अब तो आप खुश है ना? तो बहुत बहादुर है बेटा, बहुत बहादुर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। चंद्रा,
चंद्रा, मेरा लाल तू ही है ना, मेरा लाल। माँ, ये मैं ही हूँ, आपने कैसे पहचाना माँ? पहचान गई, आंखों ने भले ही ना पहचाना हो मगर मेरे दिल ने तुझे पहचान लिया। तू मेरा बच्चा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। माँ, ये तुम्हारे लिए, ये लो। हाँ, ये हाँ, हाँ, हाँ। पता नहीं ये तुम्हें पसंद आएगी भी या नहीं। माँ, माँ का कर्ज उतारना चाहता है बेटा। माँ का कर्ज कभी कोई उतार सकता है क्या? बच्चों के लिए माँ स्वर्ग होती है। जन्म से पहले माँ की कोख और जन्म के बाद माँ की गोद, बड़े होने के बाद माँ के आंचल की छाया। सागर से गहरे तुम्हारे इस प्यार के कर्ज को मैं भला एक साड़ी से कैसे उतार सकता हूँ? माँ, नहीं उतार सकता। ये अनमोल है माँ, तुम्हारे प्यार की कोई कीमत नहीं हो सकती। माँ, चंद्रा, एक दूसरे शहर के बहुत बड़े जागीरदार हैं मास्टर रुद्र प्रताप सिंह। उनके बड़े बेटे बाला की नजर में जो लड़की चढ़ जाए उसे उठाकर उसकी इज्जत को तार तार कर देना उसका शौक है। और ये रहा छोटा बेटा बिरजू, जिसका काम है दूसरों की जमीन को हड़पना। तेरे कहने से मैं साइन कर दूंगा क्या? हाँ, छोड़ो मुझे। चलो यार। अरे तू है कौन? हाँ, मास्टर रुद्र प्रताप सिंह को पहलवान जी पर पूरा यकीन है। रुद्र प्रताप सिंह के जनाधार को मजबूत करने का पूरा श्रेय पहलवान जी को ही जाता है और इसीलिए गांव के चुनाव की सारी कमान उन्होंने पहलवान जी को सौंप दी है। रुद्र प्रताप सिंह जी ने हमारी तकलीफ, हमारे दुख और हमारी सारी परेशानियों को देखते हुए जिला परिषद के चुनाव में हमारे 10 उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया है। अगर हमारे ये 10 उम्मीदवार जीत कर आ जाते हैं तो हमें नौकरी और जरूरत की सारी चीजों की परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल का निर्माण भी होगा। मेरे प्यारे भाइयों, अब कोई तकलीफ हम लोगों को नहीं सहन करना पड़ेगा। रुद्र प्रताप सिंह जी की आप सभी लोग बात मान करके अपना बहुमूल्य वोट देकर उम्मीदवारों को विजयी बनाएं। उनको दो, लीजिए। बहुत टेस्टी है ना मास्टर? गौ मूत्र से बना है। क्या हुआ मास्टर, उल्टी हो रही है क्या? और नहीं तो क्या, उल्टी नहीं होगी तो क्या होगा? अच्छा, और उस पहलवान को बुलाकर जब तुमने चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी उस समय ये उल्टी नहीं आई? क्यों, वो लोग इंसान नहीं है क्या? वही लोग तो हैं जिनकी वजह से हम अपने मकसद में कामयाब होते हैं, इसीलिए उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसका मतलब उन्हें झोपड़ों की जगह महलों में बिठाना चाहते हो? अगर उन्हें एक बार भी अपने अधिकारों का एहसास हो गया तो वो कभी हमारी गुलामी नहीं करेंगे। फिर हमारी फैलाई गंदगी को कौन साफ करेगा बताओ? और हम लोग जिस मंदिर में जाकर शान से घंटा बजाते हैं उसे बनवाने के लिए हमें ऐसे गुलामों की जरूरत पड़ती है। ए मास्टर, बच्चों से लेकर बड़ों को तू एक ही पाठ पढ़ाता रहे ना, जिंदगी भर एक ही काम करता रहेगा तू। अगर तू इसी तरह उनके अंदर आश्वासन और हिम्मत जगाता रहना तो तेरी जिंदगी अब बहुत दिन नहीं बचेगी, समझ गया? क्यों इतना चिल्ला रहे तू? चप्पल है तो पैर में ही रहे। सब लोग काम मार कर जाकर देख। अच्छा, पहलवान से मिलने से पहले तुझे ऐसा नहीं लगा कि पहले आकर हमसे मिलना चाहिए था? मालिक, मालिक, आपका दुश्मन मर गया मालिक। सांप के काटने से जहर चढ़ता है और मेरे एक बार देखने से ही जहर चढ़ जाता है, समझ गए ना? ए मास्टर, हमारी आंखें बंद हैं तो सुकून है
और आँख खोल दी तो कयामत आ जाती है। मास्टर जी, इस साल के जिला परिषद के चुनाव में 10 लोग हमारे जीतेंगे ऐसी आपने जुबान दी थी, लेकिन आप जुबान से मुकर रहे हैं। तो ये समझ लो कि मैं अपनी जुबान से मुकर गया। आप जब देखो अपनी जुबान बदल देते हैं, जो मर्जी आए करते हैं, लेकिन मैंने अपने लोगों से वादा किया है। वादा किया है? किससे पूछकर वादा किया तूने? किससे पूछकर किया? हाँ मालिक, मालिक आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वर्षों से हम आपको इज्जत देते आए हैं, यहाँ तक कि अपना खून भी देते आए हैं, ये सब कुछ भुलाकर आप इस समय। तू हमको यहाँ पर अपने एहसान मत गिना, उससे कहीं ज्यादा हमारे पिताजी के तुम पर एहसान है। समझ गया, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया। मास्टर जी, इस तरह खुदगर्ज मत बनो, इतना नीचे गिरने की कोशिश मत करो। मेरे पिता की चप्पल भी नहीं बन सकता, तो चल इनके पैर पकड़, माफी मांग। मालिक, हमारे गांव के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, वो बड़े बड़े सपने देखने लगे हैं। अब अपनी जुबान से मत मुकरो। मालिक, मैं आपके पैर पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ। मेरे हुक्म पर भौंकने वाला एक मामूली कुत्ता है तू, इसलिए आज तक अपनी जूठन डालकर पालता रहा, और आज मेरी हड्डी खाकर मुझ पर ही भौंकने लगा। हमारा ये समाज किसी एक के बाप की जागीर नहीं है, यहाँ पर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग चंद दौलतमंदों के गुलाम बनकर रहे, ऐसा किस किताब में लिखा है? अगर ये बात किसी किताब में लिखी भी है तो उस किताब को चीर फाड़ कर जला डालो। हमें जिंदगी में एक ही बार मौका मिलता है, और ये मौका हमें यूं ही नहीं मिलता है, घमंडी खुदगर्ज लोगों से अपना हक छीनने के बाद ही मिलता है। आज तक ये हसिया हम लोगों ने पकी हुई फसल को काटने में ही इस्तेमाल किया है। आज के बाद जो कोई भी हमारे सामने सर उठाने की कोशिश करेगा तो सर काट कर उसके खून से धरती को लाल कर देंगे। ये बात तुम लोग अच्छी तरह से समझ लो, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। खत्म कर दो। बाबूजी, बाबूजी आगे बोलिए, बाबूजी। बाबूजी। ऐ सुनो, तुम लोगों के रोने चिल्लाने से मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा? ए, कुछ देर और लाश पड़ी रही तो कुत्ते नोच खाएंगे, ले जाओ इसे यहाँ से। साहब जी, हमारे बाबूजी की मौत कैसे हुई? देखो ये पहलवान जिस बस से आ रहे थे उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया। अब चूंकि ये पहलवान थे ना, तो लड़ने के लिए उतर गए। ए कमीनो, आओ मैं तुम सबको देख लूंगा। तो उन लुटेरों को गुस्सा आ गया और वो इन पर ही टूट पड़े। बाबूजी, बाबूजी, साहब जी, मेरे बाबूजी इतने कमजोर नहीं थे साहब जी। मौत कभी बोल के आती है क्या? जिस किसी ने मेरे बाबूजी को मारा है, एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे। ए, चुप कर, तू अपने बाप की चिता जलाएगा या साथ में और लोगों की भी चिता जलाने की सोच रहा है?
चंद्रा, तेरी बहन कहीं नजर नहीं आ रही है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। मुझे बहुत डर लग रहा है। साहब जी, साहब जी। ए, दिखता नहीं काम कर रहा हूं। ये लो, हम बोलो। मेरी बहन कहीं खो गई है साहब, आप कुछ कीजिए ना साहब। तुम्हारी बहन दूध पीती बच्ची है क्या? नहीं साहब जी, वो शादी की उम्र की हो गई है। देखो चंद्रा, जवान लड़कियों को यहाँ पर बेचने वाले बहुत हैं, प्यार के जाल में फंसाने वाले भी बहुत हैं, और कई लोग तो फंसा कर लड़की को भगा भी ले जाते हैं। नहीं साहब जी, मेरी बहन ऐसी वैसी लड़की नहीं है। फिर तो वो इधर उधर अपने किसी यार के पास मुंह काला करने गई होगी। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उनके साथ ऐसा होता तो यही सोचते क्या? कुत्ते की औलाद। दो रोटी के औकात नहीं और मेरे घर तक पहुँचने की हिम्मत करता है? साहब जी नहीं, साहब जी नहीं, साहब जी लॉकअप में डाल कर इतना तोड़ूंगा कि मुंह में चबाने के लिए दो दांत भी नहीं बचेंगे। साहब जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इससे गलती हो गई साहब जी, इसे जाने दो साहब जी, इसे माफ कर दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब जी, आपके हाथ ले जाओ इसे, जाओ रिपोर्ट लिखवाओ। ए चंद्रा, तेरी बहन लगभग 5 फुट 2 इंच की है ना? हाँ साहब जी, लेकिन क्यों? उसका रंग गेहुआ है ना? स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की लाश मिली है, वो लाश लॉकअप में है, जाकर देखो कहीं वो तुम्हारी बहन तो नहीं। हे भगवान, मेरी बहन, क्या करूं क्या करूं? भगवान, मेरी बहन को किसने मार डाला? बहना, मेरी बहना, मुझसे बात करो, बहना मुझसे बात करो। बग्गी, राजा, अरे जल्दी आओ। मैंने तो पहले ही कहा था ना, अपने यार से मिलने गई होगी, आ जाएगी। अरे इसकी उम्र ही कुछ ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। मेरी बहना, मुझे लगता है इसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, इसीलिए इसके बदन पर कपड़ा भी नहीं है, है ना चंद्रा? Ha ha ha!
मेरी बात सुन बिरजू। हे बिरजू, अगर चंद्रा को अभी हमने छोड़ दिया तो उसका अगला निशाना हम लोग होंगे। ये इलेक्शन का समय है बेटा, इसलिए कोई भी गलत कदम मत उठाना, समझ गए ना? हम लोग अच्छा इंसान बनकर जीना चाहते थे, मगर आज खूनियों के कतार में खड़े हो गए हैं। अब हम लोगों की कोई भी इज्जत नहीं करेगा। हाँ, अब हम लोगों का सर जाएगा या फिर हम लोगों को जेल हो जाएगी। नहीं, आज के बाद हम ये जंग यहीं रोक देंगे। नहीं, ये गलत है। रुक जाओ, मैं पुलिस वाला नहीं हूं, ना ही कोई खबरी हूं। मैं ब्लैक एंड व्हाइट पत्रिका का संपादक हूं। मैं भी तुम्हारी तरह क्रांतिकारी बनना चाहता था, लेकिन मेरे खून के अंदर वो ताकत नहीं रही, इसलिए कलम के जरिए मैं अपनी भड़ास निकालता हूं, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता हूं। बुद्धिजीवियों ने क्या कहा है जानते हो? शांति लाना है तो किसी एक को क्रांतिकारी बनकर सामने आना ही होगा। तुम लोगों ने एक शैतान को मारा है, उस पर अफसोस क्यों कर रहे हो? शैतानों की लगाई नफरत की आग बुझी नहीं है तो तुम अपनी अंदर की आग क्यों बुझा रहे हो? तुम्हारी बहन के खून का जिम्मेदार वो इंस्पेक्टर नहीं है, मास्टर का लड़का है। रुक जाओ, कहां जा रहे हो? उसके मरने के बाद ही मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें उसका सर चाहिए और पुलिस वालों को तुम लोगों का सर चाहिए, याद रखो। हम लोगों की कोई गलती नहीं है, ऐसा आपने ही तो कहा है। कानून ने नहीं कहा ना? तो फिर आज जिस तरह तुम लोग मास्टर जी कहकर आंसू बहा रहे हो, उसी तरह जाने कितने लोग आंसू बहाते आ रहे हैं आज तक। उन लोगों के आंसू पोंछने की कोशिश करो तुम लोग, सच्चाई मुझ तक पहुंचाते रहो और मैं उस सच्चाई को पेपर के जरिए लोगों तक पहुंचाऊंगा और तुम लोग पर कोई आंच नहीं आएगी। यारे कुगडली पूरे हो, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, बचाओ। निकलो यहां से। नहीं, अरे कोई तो बचाओ मुझे। नहीं। मुझे बर्बाद मत करो, नहीं, छोड़ो। हीरोइन को बचाने के लिए हीरो आ गया, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा देखते हैं। चला। हमारे गांव की बहु बेटियों की इज्जत का ये खेल आज से हमेशा के लिए खत्म। मेरे बेटों को देखते ही पूरा गांव थर थर कांपने लगता था, लेकिन आज उनमें से एक को हमने खो दिया है। उसकी मौत का बदला लेने की बजाय तुम उसके फोटो के सामने रो रहे हो, शर्म नहीं आती? मास्टर, अपना मुंह बंद कर और खामोश हो जा, नहीं तो मेरे भाई के बाजू में तेरी भी तस्वीर लग जाएगी। ए, तुझे पैदा करने वाले ये तेरे पिता है, उनको ऐसा बोल रहा है? जिस चंद्रा ने तेरे भाई का खून किया है, तूने उसे अब तक जिंदा क्यों छोड़ रखा है, बता? ले लो कमीनी औलाद,
तू अपनी माँ पे हाथ उठाता है? बकवास बंद कर। इन सब के जिम्मेदार तुम हो। इलेक्शन होने तक रुक जाओ रुक जाओ। तुमने कहा था ना, अब क्या उसकी लाश को खड़ा करोगे? अगर तुझे इतना प्यार है इससे तो भेज दो इसके साथ। किधर है? कहाँ है? हमको नहीं मालूम है। चल बता। मुझे नहीं मालूम। चल रहा है। ये ले पैसे और बोल चंद्रा कहाँ पर है? अरे वो चंद्रा ये जंग लड़ रहा है अकेले के लिए नहीं, हम सब के लिए। ब्रिटिश लोग जब हम पर जुल्म ढा रहे थे तब चंद्रा की तरह रोकने कोई नहीं आया था। इसका मतलब चंद्रा तुम लोग का बाप बन गया है? हाँ पता नहीं, अगर मेरी जान भी चली जाए तब भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इस चंद्रा को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो जहाँ कहीं भी हो उसका पता लगाओ। बीच खून की होली। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। सर, चंद्रा की वजह से पूरे राज्य में हमारा पेपर नंबर 1 हो गया है। साहब जी, कल हमीद को कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं, वो कोर्ट की सीढ़ियां भी ना चढ़ पाए। ये लो साहब जी, ये मुझे ये चलानी नहीं आती है मुझे। मर्द के बच्चे को ये सब सिखाया नहीं जाता है, वो खुद ब खुद सीख जाता है। बाजार में लाशें गिर रही हैं और तुम सब तमाशा देख रहे हो। अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसकी आहार से सारी पुलिस हक्की बक्की रह गई। जाओ, उनका पता लगाओ और फोन डालो उन्हें। चंद्रा और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने शहर में जगह जगह नाकेबंदी कर दी और हर वाहन की तलाशी ली जाने लगी। चलो एक करके चलो निकलो।
हमारे छोटे मालिक मदन इस बार के एमएलए के इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। हर हाल में इसको जिताना है और इसके खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देना। बड़े मालिक, कोल्हापुर के जमींदार है ना, वो मदन मालिक के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, ये खबर आई है। मैंने पहले ही कहा ना, चाहे वो कोई भी हो। आइए आइए कोल्हापुर के जमींदार साहब। नमस्कार, चलो बात करते हैं। बाबूजी, शशिकांत नागर जी आए हैं। और आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जो हमारे देसाई साहब के होते हुए तुम यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते, हम लड़ने नहीं देंगे तुम्हें। पन्ना खुला है, तुमने पढ़ लिया होगा। राजनीति तुम्हारे बस की बात नहीं है। देख शशिकांत, तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम्हें मैं खादी का कुर्ता सिलवा कर खुद दे देता हूँ, समझे ना। तुम मेरे साथ जुड़ जाओ तो इस शहर में दूसरा महल खड़ा कर सकते हो। दूसरों के एहसानों पर पलने वाला कुत्ता मैं नहीं हूँ, समझे देसाई। हाथ से छूट गया मालिक। कभी कभार हाथ से छूट जाता है, कभी कभार नजर चूक जाती है, कभी कभार मेरे वफादार मेरे लिए किसी की लाश गिराने में पीछे नहीं हटते। इसी तरह ब्रह्मा जरूर इस दुनिया में लोगों को भेजते हैं, लेकिन उन लोगों की आयु मैं तय करता हूँ। राजनीति तुम्हारे बस की नहीं। तू अगर राजनीति में कूदा ना तो जिंदा नहीं बचेगा। देसाई साहब, बच्चों के लिखने के लिए माँ बाप पेंसिल लेकर देते हैं, किस लिए? गलत लिखने पर मिटा सकते हैं। बड़े होने के बाद पेन दिया जाता है। नहीं समझ में आया? मेरी लिखाई भी उसी पेन की तरह है, ये याद रखना। मैं चलता हूँ। देसाई साहब, माथे से निकलने वाले पसीने से तुम्हारी किस्मत में लिखा मिटेगा नहीं। ए शशिकांत नागर, कोल्हापुर से मेरी चौखट पर आकर मुझे ही धमकी देकर जा रहा है। कोल्हापुर क्या, पाकिस्तान में बसा हुआ है। मुंबई से, हैदराबाद से और यहां तक कि इटली से आकर लोग यहां चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। मैं यहां चुनाव लड़ने आया तो तुम्हारी फट गई क्या? आपको क्या जरूरत है राजनीति में आने की? आखिर हमें किस चीज की कमी है? इस गंदी राजनीति में आकर अपनी इज्जत क्यों गंवाना चाहते हैं? देखो बेटी, ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, ये बात सच है, लेकिन सोने की थाली में परोसा हुआ खाना खाने से बदहजमी हो जाएगी, यही बात सोच रही हो ना तुम? ये राजमहल में रहेंगे तभी ही राजा कहलाएंगे, उनकी पूजा होगी, हाथ बांध कर हुक्म मानेंगे। बेटी, ये तरीका तो राजाओं के जमाने से ही है,
और आज राजनीति में है। आप क्या कह रहे हैं मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं। उस देसाई के परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत आज तक कोई जुटा नहीं पाया था, आपके खड़े होने से वो लोग घबरा गए। मतलब उस रावण की लंका में कहीं आग ना लग जाए इस बात से उसे डर लग रहा है, इसलिए वो इतना छटपटा रहा है। राजनीति के नायक जी, आपको एक बात समझा दूं, लंका में आग लगाने के लिए तो हनुमान जी ही काफी थे, लेकिन जंग जीतने के लिए राम की ही जरूरत होती है। सच है बहन, लेकिन उस राम को राज्य में कहां ढूंढा जाए। राम सिर्फ राज्य में ही नहीं वनवास में भी रहे हैं ना। ये बताओ तुम्हारा धंधा पानी कैसा चल रहा है? ठीक है, अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, वो कैसा है तुम्हारा छोटा भाई चंद्रा? अब पता नहीं जी, मैं हुआ और मेरा काम हुआ। वो कहाँ है मैं कैसे बता सकता हूँ जी, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर किस किस्म की दोस्ती है तुम्हारी उससे, नमक हराम की औलाद? मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। क्या है ये सब? इतने दिनों से गांव में तुम लोग सर उठाकर जी रहे थे, तुम्हें इस रूप में देखूंगा मुझे उम्मीद नहीं थी। सर छुपाकर तुम सब यहाँ वीराने में भूखे प्यासे क्यों जी रहे हो, ये बात तुम लोगों को शोभा देती है? पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हैं ना। अरे वो सब हम देख लेंगे, मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलोगे तो तुम लोगों का भला ही होने वाला है। हाँ। वेलकम वेलकम। वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। आई एम प्राउड ऑफ यू। शाबाश शाबाश। एक शेर का बच्चा जंगलों में भटके, ये अच्छा लगता है क्या? ये चंद्रा शेर बनकर ये जंग अपने लिए नहीं लड़ रहा, अपनों के लिए लड़ रहा है। तुम्हारा ये संघर्ष खून खराबे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसका परिणाम भी निकलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सच्चा जीवन वो नहीं है कि करोड़ों की संपत्ति जमा करके उसका भोग किया जाए, बल्कि उसमें है कि मन को अपार संतोष मिले। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और आज मेरी हालत भी उन्हीं की तरह हो गई है। मैं राजनीति में आकर तुम जैसे गरीबों की बेसहारों की मदद करके उनकी दुआएं लेना चाहता हूं। जो भी आता है यही कहता है, हमें भी जीत लेता है, इलेक्शन भी जीत लेता है, उसके बाद कभी नजर नहीं आता। हमने बहुत धोखे खाए हैं साहब। तुम्हारा यह दुख मैं अच्छी तरह समझता हूं, गरीबों का दिल एकदम साफ होता है। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, हमारे बच्चों को एक स्कूल चाहिए, सभी लोगों को दो वक्त की रोटी चाहिए, इसके अलावा एक समान जीने का हक चाहिए। दुख तकलीफ किसी को भी नहीं होनी चाहिए साहब, हम लोगों को सिर्फ इतना ही चाहिए। बस इतना ही। एकदम यही होगा, तुम लोगों की आंखों में आंसू ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं हूं ना, मुझसे हाथ मिला लो। क्या कहना है? ठीक है। ये पहले मैं बात करता हूं, उसके बाद तुम लोग बात करना। आप ही कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, शांत हो जाइए, शांत
शांत हो जाइए। लाख कोशिश करने के बाद भी नागर जनता को शांत नहीं कर पाया, लेकिन चंद्रा के एक इशारे पर सारा शोर शराबा शांत। हमारे शशिकांत साहब को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाना है। शशिकांत नागर अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत कर भारी बहुमत से जीते। अपने आप को राजनीति के खेल का माहिर समझने वाला देसाई सीधे आसमान से जमीन पर आ गिरा। कैसे हो चंद्रा? सबको दो। इनको भी दो। अब हम चले चंद्रा? जी मालिक। चंदू, मन रे एक बार कह दे उससे प्यार हो गया है, आंखें चार हो गई है, दिल ये पल में खो गया है। मुझको खुशियां मिल गई है दुनिया के सारे, मेरे दिल ने मान लिया है तुझको हमराही। मुझको खुशियां मिल उससे प्यार हो गया है, आंखें चार हो गई है, दिल ये पल में खो गया है। वर्षों से सर उठाकर राज करते आए उस राज परिवार को आखिरकार तुमने नीचा दिखा ही दिया। अरे तारीफें जरा कम करो, इसमें क्या है जरा दिखाना तो। साहब जी, ये पूरे 50 लाख रुपए हैं। देसी साहब ने सरकारी अस्पताल को बड़ा बनाने के लिए गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है। हाँ तो ये बात है, सरकारी अस्पताल में सारी जरूरत की चीजें और सुविधाएं हो गई तो तुम्हारे हॉस्पिटल की आमदनी कम हो जाएगी ना। हाँ साहब जी, ये सच है। हाँ, समझ गया। मिर्जा उठाओ इसे। आगे बोलो। साहब, जोशी साहब यहाँ पर फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं ऐसा सुना है। अगर वो बन गई तो खेतों में काम करने वाले सारे मजदूर उस फैक्ट्री में काम करने चले जाएंगे। उसके बाद हमें खेत में काम करने वाले भी विदेश से मंगवाने पड़ेंगे। अच्छा सुनो, मैंने उस फैक्ट्री का काम रुकवा दिया तो मुझे रोकड़ा वोकड़ा मिलेगा कि नहीं? उस गाँव में खेती के काम से ज्यादा लोगों का खून अक्सर बहता ही रहता है शशिकांत जी। ऐसे में वो फैक्ट्री बन गई तो वो काम रुक जाएगा, इसलिए आप जरा गहराई से सोचिए ना। ये कैसी बातें कर रहा है? मैं इसको खूनी कॉन्ट्रैक्टर लग रहा हूँ। मैं चुनाव उनकी मदद से जीता हूँ। मैंने उन लोगों से बहुत सारे वादे किए हैं, ये काम मैं नहीं करने वाला। साहब हाँ ले लो ले लो, कुछ सोचता हूँ। नमस्ते मालिक। अरे चंद्रा कैसे हो? अरे रे 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 रे, अरे नहीं नहीं नहीं, क्या करो क्या करो। अरे मैं भी आप ही की तरह हूँ भाई, आप ही लोगों में से हूँ, ऐसा मत क्या करो। आप ठीक है ना चंद्रा भाई? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है।
तुम मेरे साथ ही हो। तुम्हारी वजह से मुझे इलेक्शन में बहुमत मिला है। ऐसे में ये इलेक्शन में आपने जो वादे किए थे उन्हें आप पूरा कीजिए, यही विनती करने आया हूँ। ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती चंद्रा। ये तुम्हारा हक है, इन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। ये तुम्हारी भीख है जो तुमने मुझे दी है। इस साल का बजट आने दो, मैं सरकार से मांग करूंगा तुम्हारे लिए बीज, खाद, जमीन, सारी सुविधाएं दिलवा कर रहूंगा तुमको। आज से तुम सबके दुख भरे दिन बीत गए, आज से सब लोग चैन से जिएंगे। शशिकांत साहब की जय। शशिकांत साहब की जय। शशिकांत साहब की जय। शशिकांत साहब की जय। परेशान मत, बस बस जल्दी करो। इन्हें क्या हुआ? छोटी मालकिन, ये माँ बनने वाली है इसलिए हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं। ए रमिया, जल्दी से बैलों को बांध, जल्दी बांध। इसमें ले जाने से देर हो जाएगी, मेरे साथ चलो। क्या? चलो, मेरे पास कार है, जल्दी करो। जल्दी। देखिए, पेट में बच्चा उल्टा हो गया है, तुरंत उसका ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए हमारे यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, इसीलिए तुरंत इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाइए, नहीं तो माँ और बेटे दोनों की जान जा सकती है। आप लोगों में से उनका रिश्तेदार कौन है? कैश काउंटर पर जाकर 10,000 रुपए जमा कर दीजिए। लड़का पैदा हुआ है, माँ और बच्चा दोनों सही सलामत है। मालकिन, मालकिन, आप मेरे लिए भगवान हो। मालकिन, अरे उठिए तो। आप मेरे लिए भगवान हो। आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, आपके बड़े उपकार हैं हम पर। आप लोगों को पैरों में गिरने के सिवा कुछ नहीं आता है क्या? आप सब लोग गुलामी करने के लिए पैदा हुए हो क्या? थोड़ी सी खुशी पाते ही सब कुछ भूल जाते हो। इतने बड़े इलाके में एक ढंग का सरकारी अस्पताल भी नहीं है, ऐसा क्यों? जब ये बात आप जैसे पढ़े लिखों को पता नहीं है तो हम लोगों को कैसे पता होगी? इसका मतलब तुम लोगों को हर बात कोई आकर समझाएगा? अपना हक मांगकर ही हासिल करना पड़ेगा। हमने मांगा है, मालिक ने कहा है, अभी बजट नहीं आया है, जैसे ही आएगा हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। बजट नहीं आया? बजट आए हुए तो 3 महीने हो गए। स्टेट गवर्नमेंट से 60 करोड़ और सेंट्रल गवर्नमेंट से 30 करोड़ आ चुका है। हाँ? तो फिर मालिक ने हम लोगों से झूठ क्यों बोला? सफेद कपड़े पहनने वालों की जुबान गंदी होती है। तुम्हारे एमएलए साहब को किसी ने रिश्वत के पैसों का चस्का लगा दिया है, इसीलिए तुम्हारे इलाके में स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल सब का काम रोक दिया गया है। तुम लोगों को इंसाफ चाहिए तो उनके खिलाफ जाना होगा, तुम्हें अपना हक चाहिए तो उनको सबक सिखाना ही होगा। तुम लोगों को अगर हॉस्पिटल चाहिए तो पहले उन्हें बीमार करना होगा, तब कहीं जाकर तुम लोगों का दुख दर्द उन्हें महसूस होगा। ये क्या कह रही है मैम साहब, वो आपके भाई हैं। शट अप, रिश्ता चाहे जो भी हो, जो गलत है तो गलत है। अगर आप लोगों में हिम्मत है तो आगे बढ़ो, नहीं तो इसी तरह घुट घुट कर मरते रहो। हाँ बोलिए भाई साहब, अपने पिया को भेज दीजिए। नमस्ते साहब। और वो मैं मैं देख नहीं पाया। हाँ मुझे पता चला, भीमराव की बीवी कैसी है? अच्छी है ना वो? माँ और बेटे दोनों स्वस्थ है मालिक। हाँ हाँ, थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं नहीं है ना। हाँ जानता हूँ, और तुम लोगों की ये बात मैं विधानसभा में टेबल ठोक ठोक कर बोलूंगा, कुछ ही समय में तुम लोगों की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो आपने झूठ क्यों बोला था? क्यों कहा था आपने कि इस साल का सरकारी बजट अभी नहीं आया है? तुमसे ये बात किसने कही? सच बताइए आप, ये सारी बातें तुमसे किसने कही? साहब जी, मेरी बात का आपने अब तक कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब जो मैंने कहा वो सच है ना? इसका मतलब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं रहा? यकीन था,
अस्पताल बनवाऊंगा, स्कूल बनवाऊंगा, बड़ी बड़ी बातें की थी आपने हम लोगों के सामने, और अब बदल गए आप। ठीक कहा ना चंद्रा भाई, नाटक करते समय चेहरे को रंगते हुए तो मैंने देखा था, लेकिन खादी पहनने से पहले तुम लोग अपनी जुबान भी रंगते हो, ये मैंने आज देख लिया नागर। अपनी जात और औकात से आगे बढ़ेगा तो कटवा डालूंगा तुझे। पहले अपनी जुबान पे कायम रह, मौत का खेल खेलने वालों से टकराएगा तो दुनिया में जीने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। सुधर जा, नहीं तो ये चंद्रा तुझे सुधार देगा। शशिकांत, मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? देखो, पुराना कर्जा देना बाकी है जो त्रिशूल की तरह पीछा कर रहा है। ये लो, उस दिन का कर्जा मैं चुका रहा हूं। शशि, हम तो हमेशा से एक हैं। अगर हम छोटी जात वालों को सर उठाने देते हैं तो चंद्रा जैसा गीदड़ भी शेर बन जाता है और हमारी बेइज्जती भी होती है, लेकिन इज्जत वापस भी वही लोग लौटाते हैं, हमारे साथ लड़ते भी हैं और पैसा लेकर शांत भी हो जाते हैं। समझ आया ना, तूने भी चंद्रा को सिर पर बिठाने की गलती की, उसकी सजा तुझे मिल गई। शशि, अगर हम दोनों मिल कर रहे हैं तो हमारे गांव के सभी जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हैं। इतना ही नहीं, राज्य को अलग देश भी बना सकते हैं। बता, क्या इरादा है? कमान फास्ट, इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, वो भागने ना पाए, जल्दी करो। चाचा जी, दूसरी शादी आप करना नहीं चाहते और आपका बेटा आपका ध्यान नहीं रखता। खैर छोड़िए, मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए। चिंता छोड़िए, अपनी मूछों पर ताव दीजिए। अबे साले उठ, उठ। क्या हुआ? चल अभी तुझे बताता हूँ। सब सब जी, सब जी, सब जी, बात तो सुनिए। क्या हुआ साहब जी? अगर ये बात शशिकांत जी को पता चल गई तो वो तुझे चप्पलों से मारेंगे। अबे मुंह बंद कर, अपनी औकात को भूलकर राजा से टकराने चला है। अभी बताता हूँ तुझे। क्या कहा? क्या तूने सुना? साहब जी, आपने? हाँ, मैंने। चंद्रा, तू अपनी औकात मत भूल, अगर जीना चाहता है तो मेरे हिसाब से जी।
मेरी लकीर को तूने काटने की कोशिश की तो शेर होकर भी गीदड़ की मौत मारा जाएगा। ले जाओ इसे, घसीट कर ले जाओ साले को। मैंने सोचा था तू जनता का असली नायक बनेगा, लेकिन नहीं, तू भी जनता का खून चूसने वालों में से एक है। अरे चंद्रा, हम लोग खामोश है इसका मतलब तू हमारे सिर पर चढ़कर नाचेगा? यहाँ पर वर्षों से हमारे पुरखों की हुकूमत चलती आई है और आज भी हम ही हुकूमत करेंगे। हाय, शनि के साथ राहु केतु मिल गए हैं, इसलिए तुम हम जैसे गरीबों पर हावी हो रहे हो कुत्तों। सिर्फ दूध देने तक गाय की पूजा करते हो तुम लोग, और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसे काट कर उसका मांस खाते हो तुम कसाई लोग। मेरे जेल से बाहर आने तक मेरा इंतजार करो, एक एक की गर्दन काट कर खून पी जाऊंगा। हरामखोर की औलादों, याद रखना, ना जेल से वापस आएगा तब ना, वहाँ से तेरी लाश को मैं खुद लेकर आऊंगा, जंगल में फेंक दूंगा, जहाँ तेरी लाश को चील कौवे नोच नोच कर खाएंगे, समझा? तूने मुझसे टकराने की कोशिश की है, औकात भूल गया? ले जाओ साले हरामखोर कुत्ते की औलाद। साहब, मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? साहब, छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को, बुढ़िया, तेरा लड़का क्या यहाँ के राजघराने का लड़का है? पुलिस के कामकाज में दखल दे रही है, चल हट पीछे। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए साहब, उसे मत ले जाइए साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए साहब। तुम सब मिट्टी में मिल जाओगे, तुम सब लोग तबाह हो जाओगे, सब मिट्टी में मिल जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। चंद्रा, ए जी क्या है? उठिए ना, 10 बज गए हैं। मुझे पता है, सोने दो, अभी 6 मिनट 14 सेकंड बाकी उठ जाऊंगा। बच्ची को देर हो रही है, अब उठिए। वो अकेले चली जाएगी। हे भगवान, जरा आंखें खोल के बात तो कीजिए। अगर मैंने अभी आंखें खोल ली तो आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इनसे बात करना बेकार है, तू चल बेटी। अरे मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मेरी तस्वीर बाहर टंगी है ना, उसी से जाकर बात करो, तुम जाओ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं आपकी फोटो से शादी कर लूंगी। फोटो से शादी कर लेती तो ये बच्ची कहाँ से पैदा कर लेती, तेरे हाथ में एल्बम आता। स्वामी जी, मैं उठ गया हूँ, आप क्या करो? पहले ब्रश कर, संडा जा, फिर नहा, नहाने के बाद वापस सोमत जाना, काम पे हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये मालती, मालती। हाँ जी। क्या हुआ, कहाँ है तू? क्या हुआ जी? अरे मुझे देर हो रही है, तुझे समझ में नहीं आता क्या? अरे लेकिन मैंने क्या किया है? मुंह देख लो तो कोई काम नहीं होगा। ओम नारायण नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम शंकराय नमः। ये क्या है, सिर्फ तौलिया लाई है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे पूजा भी करनी है ना। ओम ब्रह्माय नमः, ओम शंकराय नमः। क्या हुआ है? ओम शंकराय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गरुड़ाय नमः, ओम दुर्गे नमः, ओम हनुमते नमः, ओम नारायण नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम हनुमते नमः। दे दो दे दो दे दो भगवान, दुनिया की सारी दौलत मुझे दे दो भगवान, दे दो। मालती कहाँ हो तुम? अरे जल्दी आओ, जल्दी लाओ, मुझे भूख लगी है, जल्दी लाओ ना। ये लीजिए। अरे मेरा नसीब, खाली थाली तूने मेरे सामने रख दी, इसे उठा करके मैं सर में मारूंगा। फोन करना पड़ेगा। स्वामी जी, आज टमाटर की चटनी की जगह पुदीना की चटनी बनाई है, क्या करूं मैं? मारो, मारो, मारो। हाँ। 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 क्या करूं, टिफिन ले आऊं क्या? टिफिन लाने की जरूरत नहीं है। उपवास रखोगे क्या तुम? हाँ चलो ठीक है। क्या कर रही है तू? आपका उपवास है ना, बेकार न जाए इसलिए खा रही हूँ। खाओ खाओ खाओ, ठूसो 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 और मरो। अच्छा ये बताइए कि वो चंद्रा बहुत खतरनाक आदमी है, ऐसा सभी लोग कहते हैं, सच है क्या? झूठ बोलते हैं वो, उससे हम लोग दिल में बसाकर उसकी पूजा करते हैं जी।
इसके अलावा वो हमारी ही बिरादरी का है। अजी वो तो एक बहादुर सिपाही है जी। हाँ हेलो, उस चंद्रा नाम के लड़के को हम अपने साथ मिला ले तो कैसा रहेगा? एक काम कर, शहर छोड़ दे और भाग जा यहाँ से। हाँ ठीक है बे। सुन आज का दिन हमारे लिए कितनी खुशी का दिन है, आश्चर्य है, मुझे इसे दिन का इंतजार था। सुनो, वैसे किधर गया वो साला? मदन भाई, मदन भाई, जरा शांति से। सुना है चंद्रा जेल से फरार हो गया है। जानता हूं। अगर वो यहां आ गया तो? तुम्हारे कहने का ये मतलब हुआ वो सीधा यहां आकर, हे शशिकांत, तूने मेरे और मेरे लोगों के साथ विश्वासघात किया है, ऐसे पूछेगा सोचकर डर लग रहा है ना? मुझ जैसा शेर की तरह जीने वाले को तूने विश्वासघात करके जेल भिजवा दिया, ऐसा सोचकर घबराहट हो रही है ना? जिस लड़की को मैं चाहता हूं उस लड़की को मदन देसाई के घर भी आना चाहता है, इसीलिए तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मदन भाई। नहीं मैं नहीं, वो। तुझे भी काट कर, मुझे भी काट कर, तेरी बहन को उठाकर ले जाएगा, हम क्या करें? तेरी बहन को उसके हवाले करके हम। चंद्रा हमें कुछ मत करो चंद्रा, ऐसे उससे हम अपनी जिंदगी की भीख मांगे? मेरे हिसाब से तो यही सही रास्ता है। ए! मेरे बाप ने तुझे चप्पलों से मारकर कहा था तुझे राजनीति कभी रास नहीं आएगी, पद के लालच में उस चंद्रा के आगे हाथ जोड़कर अब जान जाने के डर से उसके तलवे चाटने की सोच रहा है। तेरे पास पद है तो मेरे पास ताकत है। तुम्हारे अंदर जो आग है और मेरे अंदर जो तूफान है, अगर दोनों मिल जाएं तो हम पूरी दुनिया को जला सकते हैं, जिसे कोई नहीं बुझा पाएगा। लावारिस की औलाद को घर की गुड़िया खेलने को देगा? सही कहा ना गुड़िया। मैंने वहां नहीं देखा रे पगली, वो देखने का हक तो मैं जल्दी पा लूंगा, और ये सब तो खुद पहली रात में मुझे दिखाएगी। बदतमीज। शर्मा रही है ना? लड़कियों में ये बात होती है। वो क्या है ना, हम अपनी सुहाग रात रात की जगह दिन में मनाएंगे तो सब कुछ साफ साफ दिखेगा। उसकी तू अभी से तैयारी कर ले, चलता हूं। आई लव यू। चंद्रा अगर शेर है तो उसका शिकार करने वाले शिकारी है हम, उसे मार कर फेंक देंगे तो कचरे का ढेर है, उसकी खाल उधेड़ कर बेचेंगे तो रोकड़ा आएगा, रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा। ट्रेन आने वाली है क्या? हो सकता है मालिक। मारो चंद्रा, चंद्रा मुझे मत मारो चंद्रा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ऑफिसर,
इस गांव के राजा मेरे पिताजी की हत्या राह चलते एक भिखारी चंद्रा ने किया है। सूर्य डूबने और चांद निकलने से पहले वो यहाँ दफन हो जाना चाहिए। मेरे पिताजी की हार्ट अटैक आ जाने से मौत हुई है, ऐसी रिपोर्ट बनाओगे तुम, समझे? जाओ। ब्रह्मस्तंभ पर्यन्तं देवर्षे पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः। इन गया फिर डंडा आया, डूम डूम डूम। लो पिंड गया फिर डंडा आया, डूम डूम डूम। मदन भाई, देखो, देख रहे मेरी गुड़िया का चेहरा किस तरह से उतर गया है। सब कुछ सही रहता तो 3 दिन के अंदर हमारी शादी हो जाती, समझे? दूसरे ही दिन सुहागरात मनाकर 1 साल के अंदर मेरे बच्चे की कुंडली भी बन जाती। अब वो शोक मनाने वाला घर बन गया है। जी हाँ साहब, अब 1 साल तक कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते, तब तक सब्र कीजिए। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे पिता फिर से तेरे पेट में दोबारा जन्म लेंगे। अच्छा हुआ ना, अपने बच्चे के रूप में मेरे बाप को अपने गोद में खिलाओगी ना गुड़िया। आई लव यू। देसाई जी, मैं जानता हूं इस समय आप काफी अपसेट हैं, लेकिन जल्द से जल्द चंद्रा और उसके सभी साथियों को हम लोग जरूर गिरफ्तार कर लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुम लोग गिरफ्तार करोगे तो डिपार्टमेंट में तुम लोगों की इज्जत बचेगी, या हम लोग शिकार करेंगे। मैंने मर्द के बच्चे को जन्म दिया है, इसका सबूत मेरे बाप को मिल जाएगा। मेरी ये बात याद रखो डीसीपी साहब। चंद्रा भाई, हम लोगों के ऊपर 10 लाख का इनाम रखा है सरकार ने। हमारी सरकार के पास गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी, मजदूरी, यहाँ तक कि आंसू पोंछने की फुर्सत नहीं है, लेकिन हमारे सिर पर लाखों का इनाम रखने की फुर्सत है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें पकड़ने के लिए हैदराबाद से स्पेशल SP बुलाया है। चंद्रा और उसके साथी जो फरार हो चुके हैं, मुझे उनके बारे में सारी डिटेल चाहिए। प्लीज कम इन सर। आइए सर। सर यहीं पर हर रोज हर कैदी को खाना परोसा जाता है। चलो आगे, चलो आगे, चलो। आजा जल्दी, आजा आजा। ओ, तो इस तरह वो लोग इस दीवार को लांघकर भाग गए। जी हाँ सर। मिस्टर अली। सर। चंद्रा को मिर्ची का पाउडर कहाँ से मिला? वो बगल में ही किचन है ना सर। वो तो सेल में बंद रहता होगा। वो क्या ना ये सर, हो गई तुम्हारी रिपोर्ट। सच्चाई मैं बताता हूँ, उसे मिर्ची का पाउडर आपने ही दिया था। सर आइए। यहाँ क्या हुआ पता है सर? तुमने ही दरवाजा खोला सर और उन्हें यहाँ पर ले आए। लेकिन सर वो देखो तुम उन्हें किस तरह से ले आए थे। हाँ देखा ना। हाँ चलिए। उन्हें इसी तरह खुशी से आजाद करने के बाद मुझ जैसा आकर तुमसे कोई सवाल ना कर पाए
इसलिए खुद को तुमने जख्मी करवा लिया। क्रिमिनल का साथ देने वाला उससे भी बड़ा क्रिमिनल होता है। पुलिस स्टेशन FIR कोर्ट कचहरी में केस करके मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? और फैसले के लिए इंतजार भी क्यों करूं? जज साहब से मैं खुद जाकर बात कर लूंगा। तुम्हारी यूनिफॉर्म का यह सीरियल नंबर तुम्हारा कैदी नंबर होगा। मालती, मालती, ए मालती। अरे अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं? आज मुझे मेरी माँ ने एक महात्मा के साथ सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा हमारे घर में आज शनि भगवान आने वाले हैं। वाह, जब हम पैदा हुए थे तब हमारे घर को शनि भगवान ने देख लिया होगा। हाँ, उनको और कोई काम धंधा तो है नहीं, हमारा ही जन्म देखेंगे। जा, जाकर प्रसाद और फल फ्रूट की तैयारी करो। हाँ हाँ करती हूँ, गुस्सा छोड़िए। किस समय पधारेंगे महाराज? मिस्टर शकालपुरी, गुड मॉर्निंग। आप कौन? खाकी वर्दी वालों से कौन है हम लोग पूछने वाला शायद ये पहला इंसान है। भरत रेड्डी। ओहो SP, ये तो जानते हो ना तुम। हाँ, आप यहाँ पर बहुत ही शुभ अवसर पर आए हैं। आज हमारे घर में शनि भगवान पधारने वाले हैं। मैं यहाँ आ गया हूँ, अब किसी के आने की जरूरत नहीं है। क्यों, वो अपोजिशन पार्टी में शामिल हो गए क्या? वो पता नहीं, लेकिन तुम लोग रूलिंग पार्टी के हो। तुम क्या चंद्रा को जानते हो? चंद्रा यानी? फिर क्यों खुजा रहे हो, सिर में जुए हैं क्या? ये बहुत खराब होते हैं, शनि चढ़ जाता है इससे। अब बोलो सच्चाई क्या है? हाँ, वही चंद्रा ना जो जेल से फरार हो चुका है, मैंने पेपर में पढ़ा था। गुड, याददाश्त बहुत अच्छी है तुम्हारी। उसको जेल से फरार करने में उसकी मदद किसने की? मैंने नहीं की, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। तो दूसरे गांव से इस गांव में आया है, हमारी ही जमीन हमको लौटाने में तुझे तकलीफ हो रही है? ₹300 एक एक बुलेट की कीमत है। मेरा चेहरा देखेगा तो मौत को गले लगाएगा, स्टैम्प पेपर को देखेगा तो जिंदगी मिलेगी। चेहरा क्या देख रहा है, साइन करना। साहब, मैंने चंद्रा पे कोई एहसान नहीं किया, उसने मुझ पर एहसान किया है। ये आपने अपनी आंखों से देखा, ऐसी बात कर रहे हैं आप? मैं एक सच बात और भी जानता हूँ, तुम चंद्रा को अपने साथ मिलाकर इस पूरे गांव पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हो, इसलिए तुमने बहुत सारे गैर कानूनी काम किए। डिटेल चाहिए ना? चलिए साहब। एजी, एजी। अरे क्या है? मैंने सारी तैयारियां की हैं, शनि भगवान आए नहीं क्या? आके दर्शन देख के मुझे साथ में भी लेकर जा रहे हैं, दिख नहीं रहा क्या तुझे? चलिए साहब, वरना ये और पकाएगी। एजी वो कौन है? क्या है साहब जी, एक परिवार वाले घर में आप लोग बिना इजाजत ऐसे घुसे चले आते हैं? ये कोई शराफत है? खटखटा नहीं सकते थे? माफ करना बहन, हम लोग चंद्रा का पीछा कर रहे हैं, वो इसी एरिया में कहीं छुपा है, इसलिए ऐसा करना पड़ा, सॉरी। साहब जी, पैसे वालों के इशारे पर उस गरीब के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं आप लोग? चंद्रा आप लोगों के हाथ में नहीं आने वाला, उसके सिर पर इस गाँव के हर एक इंसान का आशीर्वाद कवच की तरह है। ओ, इसका मतलब वो तुम लोगों की नजर में भगवान है? वो मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए, उसके लिए कभी हम लोगों को जान देने का समय भी आया ना, तो एक औरत अपने माथे का सिंदूर मिटाने के लिए भी तैयार हो जाएगी, और एक विधवा अपने माथे पर सिंदूर सजा भी लेगी। चलो। खुश नसीबों को ये मौका मिला, मेरे पति अगर जिंदा होते तो इस कदम को बुरा नहीं मानते। एक देवी कैसी होती है ये मैंने आज देखा, मुझे उस देवी के चरण चरण छूने का सौभाग्य। रुको, ये आप क्या कर रहे हैं? जीने के लिए छोटी छोटी आस लिए यहाँ के सभी लोग एक एक रोटी कमाने के लिए दिन रात तरस रहे हैं। यहाँ के हर एक गरीब के लिए
आप एक मसीहा हैं। सिर्फ मुझ जैसी विधवाओं का ही नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके लिए हम लोग अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। नमस्ते एसपी साहब। ओ नमस्ते, आइए बैठिए। मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर तुम्हें ट्रांसफर करवा कर मैंने खाना पूर्ति के लिए नहीं बुलाया कि तुम यहाँ कमरे में आराम से बैठो और बाहर चंद्रा अपनी मनमानी करता रहे। उस पर तो सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। 20 लाख रुपए मैं देता हूँ। मेरे बाप की उसने जान लेकर मुझे दिन रात खून के आंसू रोला है। अब सिर्फ मेरे पास बाकी है उबलता हुआ खून। तुम इस तरह कुर्सी गरम करते रहे तो इस समस्या का कोई हल नहीं होगा। सरकार ने तुम्हें रिवॉल्वर दे रखी है ना, वो किस लिए? गोली से उड़ा दो उसे। देखिए, आपके इस तरह से कह देने से मैं किसी को भी गोली से उड़ा दूं। मैं कोई गुंडा नहीं हूं, पुलिस हूं। कोई भी सबूत तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तुम्हारे हवाले नहीं किया क्या? खैर यह छोड़ो, तुम्हें यह तो पता होगा ना कि उसने मेरे बाप को मारा है। लेकिन रिपोर्ट में तो हार्ट अटैक लिखा है। वो तो मैं नहीं लिखवाया है। क्यों? अपने फायदे के लिए। जिससे तुम शादी करना चाहते हो वो लड़की चंद्रा से प्यार करती है, ये बात मैं जानता हूँ। तुम जैसे खुदगर्ज लोग सड़क पर मरे पड़े होते हैं, तुमको तो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी ले जाती है, तो यहाँ मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? लंगोट बांध कर अगर मैं मैदान में उतर गया ना तो मेरे सामने चंद्रा जैसे कितने भी आए टिक नहीं पाएंगे। मेरी फेंकी हड्डी खाने वाले कुत्ते के ऊपर से मेरा भरोसा उठ गया ना तो मेरे बाप के कातिल को खत्म करने में कितनी लाशें गिरेंगे तुम गिन भी नहीं पाओगे एसपी। उसके बाद तो ही नहीं, तेरा पूरा डिपार्टमेंट भी आ जाए तो उस चंद्रा को मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? वो इसलिए आने वाले 24 घंटे के अंदर उसका सिर मैं अपने बाप की समाधि पर चढ़ाऊंगा। उसके धड़ को बीच चौराहे पर नहीं लटकाया ना तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। मैं भी क्या चीज हूँ बताता हूँ, उस एसपी के बच्चे को चंद्रा जहाँ कहीं भी छुपा हो उससे तलाश करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मालिक, मालिक, ए, 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 मालिक अब तो हालात हो गए। मालिक ये क्या हो गया? मालिक ये क्या हो गया? मालिक ये क्या हो गया? मालिक, मालिक मुंह बंद करो। बाप के दम पर बहुत उछलता था, बाप की मौत का बदला बाप के पास जाकर ही। इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम करो। चंद्रा, वो पेपर वाले के हिसाब से हम लोग अगर शशिकांत को मार डालेंगे तो हमारी समस्या का हल भी नहीं होगा और हमारी बगावत का कोई मतलब भी नहीं। तो हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, हमें अपनी समस्याओं को लेकर उससे बात करनी चाहिए। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानता है तो फिर उसे मारने का सोचेंगे। ठीक है, ये सही बोल रहे हैं। हम जब तक उसे उठाकर यहाँ लाकर सबक नहीं सिखाएंगे तब तक वो कुछ नहीं करने वाला। अच्छा ठीक है, हम लोग आज रात को उसे उठा ही लेते हैं। Oh, my God.
लड़की को लेकर लोग कहीं और जाते हैं, तुम मुझे इस जंगल में लेकर आए हो। तुम? हाँ मैं। यहाँ क्यों आई हो? तुम ही तो मुझे लेकर आए। मुझसे मजाक कर रही हो? ये लो सुनो, सोई हुई लड़की को उठा कर लाने के बाद ऐसा कह रहे हो। तुम्हें पता था कि मैं उठा कर ला रहा हूँ, तो तुमने बताया क्यों नहीं? जब तुम अपनी बाहों में प्यार से उठा कर ला रहे थे ना, अच्छा लग रहा था, इसीलिए नहीं कहा। लेकिन उस रूम में तुम कैसे थी? जादू। मैं तुम्हारे पास आने के लिए ही अपने कपड़े पैक करके निकल रही थी। कहाँ जा रही हो? भैया, भैया, भैया। उसके बाद मैं भैया के कमरे में ही सो गई और तुम भैया समझकर मुझे उठा लाए। सिंपल। ए केशव, इसे अभी के अभी इसके घर पे छोड़ कर आओ, जाओ। हाँ हाँ, छोड़ तो दोगे लेकिन वापस लौट कर नहीं आ पाओगे। इस समय मेरे भैया हनुमान जी से युद्ध कर रहे हैं, पुलिस वाले उनके सैनिक बने हुए हैं। तुम सबको अरेस्ट करा के गोली से सबको भुनवा डालेंगे। डर गए ना? एक बात सुन लो, यमराज भी आ जाए तो भी आखिरी सांस तक लड़ेगा ये चंद्रा। यही, तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है और इसी वजह से मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है। ए! पागलों जैसी बातें मत करो, तुम जैसी लड़की का मुझ जैसे गरीब के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ए, अमीर गरीब होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो ना तो वो उसकी खूबसूरती देखता है और ना ही धन दौलत। अगर उसका प्यार सच्चा होता है तो ये भेदभाव नहीं रहता। क्यों, मैंने सही कहा ना? बोलो ना, सुन लिया ना? दोबारा कभी ऐसी गलत बात कही ना तो छोड़ूंगी नहीं। ए गोरी चिड़िया, ये प्यार का नाटक मेरे साथ मत खेल। मैं एक जंग लड़ रहा हूँ। किसके लिए लड़ रहे हो? मेरे अपनों के लिए। तो फिर मैं भी तो तुम्हारी अपनी हूँ ना, हम दोनों साथ में भी लड़ सकते हैं ना। इसको ले जाओ यहाँ से। ए, अगर पास आए तो अच्छा नहीं होगा। जो मुझे उठाकर लाया है वही मुझे घर तक छोड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं पर रहूंगी। उठ बुढ़िया, उठना, उठ। कहाँ है वो? कहाँ है वो कमीना जो मेरी बहन को उठा ले गया? नहीं पता है ना? नहीं पता तुझे? हाँ नहीं पता? गांव वालों, इस बुढ़िया की वो कमीनी औलाद गांव को छोड़कर भाग रहा था। मैं उसे यहाँ वापस लाया, उसका साथ दिया, उसे अपने छोटे भाई की तरह माना और उस नमक हराम ने पता है क्या किया? मेरी बहन को अपने प्रेम जाल में फंसाया और लेकर फरार हो गया। उसकी रगों में इस गांव का खून नहीं है, हरामी की औलाद है वो, हरामी की औलाद। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पुलिस वाले, पुलिस वाले कह रहे हैं। वो इस गांव का खून नहीं, किसी हरामी का खून है। कान खोलकर सुन लो गांव वालों, वो हरामी तुम्हारे खून की एक एक बूंद चूस जाएगा। बगावत के नाम पर मारा मारा फिर रहा है तेरा बेटा। ए बुढ़िया, एक बाप की औलाद है या पूरे गांव के मर्दों की? अरे भौंक ना बुढ़िया। ए कमीने, सच है, बिल्कुल सच है, मेरा बेटा इसी गांव में पैदा हुआ है और इसी गांव का मर्द उसका बाप है। इन गांव वालों ने तुझे साफ साफ कहकर सर पर यूं ही नहीं बिठाया। ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि मेरा बेटा तेरे साथ खड़ा हुआ था, इसीलिए तू मंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाया है। तू इस कुर्सी को तू दौलत से खरीद नहीं पाता, जो तुझे मेरे बेटे के एक आवाज से मिल गई है। मेरा बेटा तेरे जैसा गद्दार नहीं है। जनता की सेवा के नाम से उन्हें धोखा देने वाले तुझ जैसे गद्दारों से गांव वालों को हक दिलाने वाला एक योद्धा है मेरा बेटा। एक कमीने, तेरे जिस्म में अगर असल बाप का खून है और वो खोल रहा है, और अगर तू अपने आप को सच्चा मर्द समझता है तो मेरे बेटे का सिर काट कर यहाँ पर लाके दिखा। अरे छोड़, तू क्या लाकर दिखाएगा? तुझे खुद यकीन हो जाएगा कि वो सच्चा मर्द है और अपने बाप की सच्ची औलाद है।
तो इंसान है कि क्या आया? ये कीड़ा तुझे काट रहा है तो खामोश बैठी है? ए, कुछ बोल, मुंह में जुबान नहीं है क्या? ए, बोल ना। अरे बोलती क्यों नहीं, बोल। अरे मुंह को लकवा मार गया क्या, बोलती क्यों नहीं? बोलूं तो आखिर कैसे बोलूं? अगर मैं पूरा दिन खामोश रहूंगी तो ये मुझसे शादी कर लेगा, ऐसा तुम ही लोगों ने तो कहा था। हमने तो यूं ही मजाक किया था और तूने उसे सच मान लिया? झूठ बोला तो दूंगी एक। मैं चाहती तो न जाने कब की शादी कर चुकी होती। मुझे तुमसे ही शादी करना है, इसीलिए अब तक जंगल में यहाँ पड़ी हूँ। मेरे साथ रहकर तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगी। मेरे लिए तो यही खुशी होगी कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं। देखो, ये जंग मुझे हर हाल में जीतनी है। तुम कौन सा रिश्ता बचाना चाहती हो सोच लो। तुम्हें अपने भाई का सिर चाहिए या फिर मेरा सिर चाहिए? दोनों में से एक ही बचेगा। चलो यार। मैं अपने सारे रिश्तों का त्याग करके तुम्हारे सामने अकेली खड़ी हूँ। अब तो मंगलसूत्र बांधोगे ना? तुम जो मिल गई हो कुछ ना अब मैं चाहूँ, साथ ना छूटे कभी है ये दुआ मेरी। तू जो साथ हो तो मैं जहाँ भुला दूँ, प्यार का ये बंधन टूटे ना कभी। अब तो हर जन्म बेटी नहीं। आशीर्वाद दीजिए ना माँ। 100 साल तक जिए तू, हमेशा खुश रहो बेटा, जीती रहो बहू। मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की बारात बैंड बाजे के साथ बड़े धूमधाम से निकले, लेकिन तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुमने इस तरह अचानक मेरे बेटे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कैसे कर लिया बेटा? मेरी शुरू से ही तमन्ना थी कि मुझे एक बहादुर मर्द मिले, वो भी मेरी मन पसंद का मिले। मिला तो एक क्रांतिकारी जो दिन रात अपने दुख को भूलकर दूसरों के सुख के बारे में सोचता है, एक अच्छे दिल का इंसान। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है हाँ बेटा। माँ से, बीवी से बच्चों को धर्म, इंसानियत और हिम्मत जैसी सीख मिलती है, लेकिन मुझे ये हिम्मत और सीख किससे मिली है पता है? मेरे इस बेटे से, मेरे इस चंद्रा से। ये क्या कह रही हो माँ? बेटा अपनी माँ से सीखता है ये तो सच है, लेकिन एक माँ ने एक बेटे से अपनी जिंदगी में इतना कुछ सीखा है। तुम महान हो माँ, तुम महान हो माँ। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तू ही मेरी दौलत है बेटा, मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या कह रही हो माँ? रुको। पकड़ा। ये मुझे क्यों दिया? देखो माँ, मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रह सकता ना, इसमें मेरी सांसें हैं। ये तेरे पास रहेगा तो समझ लेना मैं तेरे साथ हूँ। चंद्रा, चंद्रा! तुम लोग अपने आप को सरेंडर कर दो, गलती से भी भागने की कोशिश मत करना। चारों तरफ पुलिस का पहरा है, देखो मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, सरेंडर कर दो।
शॉट, स्टॉप, कोई भी गोली नहीं चलाएगा। जान लेने वाले इस पुलिस ऑफिसर का सिर काटकर गांव के दरवाजे पे लटका के आऊंगा। छोड़ो मुझे। चंद्रा नहीं, चंद्रा रुक, चंद्रा रुक। क्या कर रहा है? अगर तू वहां जाएगा तो जिंदा वापस बच के नहीं आएगा। अगर तुम पकड़ गए तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए मान जा हमारी बात चंद्रा, मत जाओ। मान जा हमारी बात, मत जाओ चंद्रा। बर्दाश्त कर ले। कैसे बर्दाश्त कर लूं मैं, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। I don't want any explanation, officer. ये तुम्हारे डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, तुम लोग कर क्या रहे हो? Sir, please believe me, sir. हम उसे पकड़ लेंगे. Move. I am Bharat. We'll be right back.
शशिकांत नागर की बहन को जब चंद्रा उठाकर ले गया तो शशिकांत बौखला कर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। चंदू, चंदू, तुम बाप बनने वाले हो। एसपी ने चंद्रा को ढूंढने के लिए जंगल का कोना कोना छानने की मुहिम शुरू कर दी। छूटे कभी है ये दुआ मेरी। पुलिस डिपार्टमेंट ने चंद्रा को ढूंढने में रात दिन एक कर दिया। इसके बाद भी चंद्रा उनके हाथ नहीं लगा। और इधर एमएलए शशिकांत नागर चंद्रा का पता लगाने के लिए उसकी मां पर जुल्म ढाता रहा, लेकिन तमाम सितम सहने के बाद भी उसकी मां ने जुबान नहीं खोली। चंद्रा की माँ का हुक्का पानी बंद कराए एक हफ्ता हो गया। अब उसे अगर दाना पानी नहीं दिया तो वो मर जाएगी, ये बात निश्चित है। ये ले, खा ले। चल खाना। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। तो जैसे नमक हराम के हाथों से दिया हुआ खाना खाने का मतलब है मेरे बेटे की जीती हुई बाजी अपने हाथों से मिट्टी में मिलाना। गांव के उद्धार के लिए बलिदान तो देना ही पड़ता है, मेरी कुर्बानी ही सही। तेरे हाथों से पानी पीने से अच्छा है मेरे बेटे के नाम पर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं। तेरी मौत तो तय है, तेरा बेटा कब तक बचेगा? तेरी मौत के बाद तो उसे आना पड़ेगा ना। चलता हूं। ए कमीने! ए कमीने, मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग देने के लिए मेरा बेटा यहाँ नहीं आएगा, तेरे हाथ नहीं लगेगा। अरे नहीं 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 मैं मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से क्यों चली गई माँ? माँ, माँ।
चंद्रा, तूने हम लोगों की समस्या को दूर करने का वादा किया था ना, उससे मुकर कर तूने अपने लिए समस्या खड़ी कर ली है जिसका अंत होगा। तुझ जैसे धोखेबाज को अब इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, तुझे मरना होगा। कल वीरभद्र स्वामी जी की यात्रा है, सूरज डूबने से पहले मैं तेरी जान हर हाल में लेकर रहूंगा। मुझे पंचभूतों की सौगंध। जब माँ की कोख में था ना,
तो उसके पेट में लात मारता था। आज तुझे लात मारकर तेरी माँ के पास पहुँचाऊंगा मैं। मुझे मारने के लिए पंचभूतों की कसम खाई है ना तूने? इसीलिए मैं तुझे ललकार रहा हूँ। आज मेरी आंखों में झांक कर दे, कितनी आग चल रही है तेरे लिए। एक बूंद पानी भी अगर इसमें गिर जाए तो फौरन भाप बनकर आसमान में उड़ जाएगा। जमीन देख लूं तो उसका भी सीना फट जाएगा। ये पंचभूत लेकर कहाँ छुपा हुआ है कुत्ते की औलाद? सामने आवे हरामखोर की औलाद। मैं तेरे जैसा कमीना नहीं कि जुबान से मुकर जाऊं। मैं हूं एक शेर दिल। Oh!
हुआ है। सर, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना सर। मैंने क्या गुनाह किया है? एक सिपाही बनकर लड़ो तो उसे योद्धा कहते हैं, सिंहासन पर बैठने वाले को राजा महाराजा कहते हैं। मैं भी तो एक जंग लड़ रहा हूं, तो फिर रात दिन पुलिस मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है? एक इंसान का दूसरे इंसान के बारे में अच्छा सोचना गुनाह है? गुनाह है, बगावत नहीं, लेकिन तुम्हारा रास्ता गलत है। दूसरों की अच्छाई के लिए लड़ना है तो उनके बीच में रहकर लड़ो, तभी वो जनता का नायक बनता है। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला की तरह जनता के लिए लड़ने वाला जनता से दूर रहकर जीतने के बाद भी कोई इतिहास नहीं रच पाया। फॉर एग्जाम्पल LTTE प्रभाकरन, गलती करने के बावजूद भी अपने आप को सरेंडर करके फिर से जनता की प्रतिनिधि बनने वाली फूलन देवी को ही देख लो। कल तक तो तुम कुछ और ही कहती थी और आज कुछ और कह रही हो। अच्छा, इसका कोई अंत नहीं है क्या? है, पर क्या है? सरेंडर कर दो। यानी मैं अपने आप को कायर साबित कर दूं क्या? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जब से तुमने ये लड़ाई शुरू की है, तुमने पाने से ज्यादा बहुत कुछ खोया ही है। तुमने अपनी माँ को खो दिया, तुम पर अपनी जान निछावर करने वाले दोस्तों को खो दिया, तुमने अपने दिल का सारा सुकून खो दिया। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती चंदू। बहुत हो गया, बस हो गया ये बनवास। तुम्हें एक नया इंसान बनना होगा मेरे चंदू, तुम्हें सैकड़ों लोगों के लिए आदर्श बनना होगा। ये सीख तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दी प्रेमा? प्यार में अंधी हो गई थी, खुद का ही होश कहाँ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसके पैदा होने के बाद डर ने मुझे होश में ला दिया है।
हमारा बच्चा बड़ा होने के बाद मेरे पिताजी क्रांतिकारी हैं ये कहकर गर्व करेगा। इस समाज में तुम्हें अपनी इज्जत बनानी है तुम्हें सरेंडर करना ही होगा। मैं सरेंडर करूंगा, देखते हैं वहां क्या इंसाफ मिलता है। अदालत हमारी माँ समान है, मुझे विश्वास है तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। साहब जी, साहब जी। हमारे डिपार्टमेंट पर लगा हुआ दाग अब दूर हो जाएगा साहब। हम हर हाल में चंद्रा को ले जाकर कोर्ट में पेश कर कहीं रहेंगे। यही तो आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? चंद्रा को तुम लोग कोर्ट में हाजिर तो कर दोगे, लेकिन गवाह कहाँ से लाओगे? क्योंकि उसके खिलाफ गवाही देने वाला इस पूरे जिले में कोई नहीं है। सभी उसे भगवान की तरह पूजते हैं और उसके दुश्मन उसका नाम सुनते ही डरते हैं। बाहर उसके कितने सपोर्टर हैं। गवाह के नाम पर इस केस में हमें जीरो ही मिलेगा। तो फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता? ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसीलिए कलेक्टर साहब ने सीधा कह दिया है पब्लिक हम पर ज्यादा हावी हो, इसीलिए चंद्रा का एनकाउंटर करके इस केस की फाइल बंद करनी है। एक्सक्यूज मी सर, जब चंद्रा ने अपने आप को खुद ही सरेंडर किया है तो उसे मारना क्यों? जिस चंद्रा ने पुलिस के नाक में दम कर रखा था उसी की पत्नी ने कानून की इज्जत करते हुए उसे पुलिस को सरेंडर करवाया है। उसने जो विश्वास डिपार्टमेंट पर किया है तो उसके लिए विश्वासघात नहीं होगा? तुम तो सिर्फ उसके अकेले के बारे में सोच रहे हो। उसकी गोली के शिकार हुए कितने लोगों के परिवार आज भी खून के आंसू बहाते हुए हमसे सवाल कर रहे हैं। बताओ, उनके सवालों का कोई जवाब है तुम्हारे पास? सर, गांधी जी का खून करने वाले गोडसे को भी कोर्ट ने संविधान के दायरे में रहते हुए सजा दी थी, इसलिए हमें चंद्रा के बारे में भी वैसे ही सोचना चाहिए। मिस्टर भरत, तुम ये मत भूलो कि तुम एक पुलिस वाले हो। महाभारत का कर्ण अच्छा इंसान था या बुरा? अच्छा इंसान था। फिर उसे क्यों मारा? धर्म की रक्षा करने के लिए, और ये बात भी वैसी ही है। देखो, कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है और ये रहम करने का समय भी नहीं है। दिस इज माई ऑर्डर, क्लियर है? चंद्रा, तुम जा सकते हो। क्या साहब, आप भी बिल्कुल बच्चों की तरह बातें करते हो। तुम लोग मुझे यहाँ किस लिए लाए हो और क्या करना चाहते हो? इस चंद्रा को सब कुछ पता है। हर समय मौत से टकराने वाला ये चंद्रा आज मौत को अपनी पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। मारना है तो मारो गोली, मेरे सीने पे मारो। अगर ट्रिगर दब गया तो तेरी जान चली जाएगी, तुझमें इतनी हिम्मत है क्या? ऐसा मर्द हो जिससे डर भी डरता है साहब। भरोसा, हिम्मत, विश्वास से जीने वाले हम जैसे इंसानों को देखते ही डर भी उल्टे पांव भागता है। ए भरत, शूट हिम। क्या साहब, आखिर में तुम ही मेरी मौत का हथियार बन गया ना? सॉरी सर, मुझसे ये काम नहीं होगा। hey, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? सर, मौका मिलने के बाद भी जिस इंसान ने मुझे जीवन दान दिया हो उसे मैं कैसे मारूं? hey, ये तुम्हारे सुपीरियर का ऑर्डर है। क्या बकता रहता है? Damn it, superior. My foot. मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश? रात दिन जीने के लिए किस तरह से संघर्ष किया जाता है ये मुझे देखकर सीख लो। बिना भेदभाव वाला ये गांव, आपस में एक दूसरे से लड़े बिना इंसानों को इंसान की तरह इज्जत देकर जीना सिखाने वाला। पांच नदियां इस गांव से होकर बहती हैं, फिर भी दिन रात जूझने वाले मेरे किसान भाई मिट्टी से सने अपने हाथ धोने के लिए
आज भी अपने आंसुओं को बहाते हैं। इसका अंत होना चाहिए। मेरे सीने पर लगने वाली एक एक गोली इस गांव पर होने वाले जुल्म को खत्म करने के लिए हो। आज के बाद फिर मुझ जैसे किसी को इंसाफ के लिए अपनी कुर्बानी दो। मन रे एक बार कह दे उससे प्यार हो गया है, आंखें चार हो गई है, दिल ये पल में खो गया है। मुझको खुशियां मिल गई है दुनिया के सारे, मेरे दिल ने मान लिया है तुझको हमराही। मुझको खुशियां मिल उससे प्यार हो गया है, आंखें चार हो गई है, दिल ये पल में खो गया है।